पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प को लेकर अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने इस घटना को पूर्व नियोजित बताया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में दंगों की साजिश रचने की बात कही है। ममता ने कहा है कि आपको रामनवमी के जुलूस में तलवारें लेकर जाने को किसने कहा है? आपने रामनवमी से एक दिन पहले डीआईजी को क्यों हटा दिया ताकि आप हिंसा करा सको? उन्होंने रायगंज में कहा कि योगी आदित्यनाथ भाषण देने में बंगाल आए थे, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि पहले खुद के राज्य को संभालो। बीजेपी की हमारी लक्ष्मी भंडार योजना को रोकने की धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम इफ्तार में भी हिस्सा लेते हैं, मैं चर्च में क्रिसमस में भी हिस्सा लेती हूँ, हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, हमने बचपन से यही सीखा है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी हुआ है। बंगाल में रामनवमी पर हुई झड़प पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ममता के साथ जनता नहीं है, ममता दरअसल लोगों को भड़का रही थी, हमने ममता के भाषण सुने थे, बंगाल में ही ये सब क्यों होता है? मुर्शिदाबाद की घटना को पूर्व नियोजित बताने के ममता बनर्जी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि ये हमला दरअसल टीएमसी के दफ्तर से हुआ था। ममता राम के नाम पर लोगों को उकसाना चाह रही थी, उनकी तुष्टिकरण की योजना थी, रामनवमी की रैली पर हमलों की एनआईए से जांच होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमान दंगा कराना नहीं चाहते, वो मोदी के साथ मिलकर विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बाहर से कुछ भाड़े के लोगों को, किराए के लोगों को बुलाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। रामनवमी जुलूस के दौरान दरअसल हुआ क्या था, यह आपको संक्षेप में बता दें। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में 17 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान लोगों ने अपनी छतों से जुलूस पर पथराव किया, इससे बवाल हो गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि भीड़ तितर बितर हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े। इसी दौरान 7-8 लोग के घायल होने की खबर आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान एक धमाका भी हुआ था जिसमें कि एक महिला घायल हो गई थी। ममता ने दंगे भड़काने की चेतावनी पिछले 2-3 दिनों पहले ही दी थी, अगर आपको याद होगा। ये घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दंगे भड़कने की चेतावनी के कुछ दिनों बाद ही हुई है। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के मौके पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि दंगा होने की संभावना है और वो दंगा करके वोट लूट कर जीतेंगे। ममता ने कहा था कि आज भी सिर्फ बीजेपी के निर्देश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदल दिया गया है, अब अगर मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगे होते हैं तो इसकी जिम्मेदार चुनाव आयोग होगी। बीजेपी दंगे और हिंसा भड़काने के लिए पुलिस अधिकारियों को बदलना चाहती है, अगर एक भी दंगा होता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा क्योंकि वो यहां कानून व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। आपको बता दें, आपको याद भी होगा कि पिछले साल भी बंगाल में रामनवमी के समारोह में हिंसा हुई थी, जिसमें बीजेपी और तृणमूल टीएमसी के बीच बड़े पैमाने पर टकराव हुआ था। अब एक बार फिर मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में जिस तरीके से हिंसा की खबरें आई हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का ये बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।